आपकी स्किन से आपकी एज का पता ही नहीं चलना चाहिए। अगर आप मैच्योर दिखे भी तो आपके थॉट्स से, आपके एक्सपीरियंस से। हाय, मैं हूँ डॉक्टर सारिका सिंघानिया, डायरेक्टर सिंघानिया स्किन क्लिनिक। आज मैं आपको बताऊंगी सदा जवा त्वचा के राज। एजिंग स्किन ये एक नेचुरल प्रोसेस है और इस प्रोसेस को हम रोक नहीं सकते, इसको डिले जरूर कर सकते हैं, इसके साइंस एंड सिम्टम्स को हम कम जरूर कर सकते हैं। बेसिकली जब हम एज करते हैं तो हमारे स्किन सेल डिग्रेड होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और उसका इफेक्ट हमको एजिंग के फॉर्म में दिखता है, जैसे फाइन लाइंस हुए, रिंकल्स हुए, स्किन जो है वो लैक्स हो जाती है क्योंकि स्किन के जो प्रोटीन्स होते हैं कोलाजन और इलास्टिन उनका बनना कम हो जाता है, ये ख़त्म सा ही हो जाता है। साथ ही साथ पिगमेंट सेल्स जो होते हैं वह एक्टिवेट हो जाते हैं और चेहरे पर एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स नजर आने लग जाते हैं। जो स्किन के अंडरलाइन सपोर्ट टिश्यूज है जैसे मसल्स हुए, बोन्स हुए, उनका भी डिग्रेडेशन हो जाता और स्किन में हॉलोनेस आ जाती है। स्किन का जो बैरियर होता है वो पुअर हो जाता है और स्किन ड्राई दिखने लग जाती है। तो एजिंग स्किन में बेसिकली ड्राइनेस हो जाती है, हॉलोनेस हो जाती है या गड्ढे आ जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स और लैक्सिटी आ जाती है। तो हम क्या करें कि ये साइंस ऑफ एजिंग जो है वो डिलेट हो जाए, कम दिखे? तो उसके लिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हेल्दी बैलेंस डाइट लीजिए, डी स्ट्रेस्ड रहिए, नींद अच्छे से लीजिए। जब हम नींद अच्छे से नहीं ले पाते हैं तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सेक्रेशन बढ़ जाता है और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्किन के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट में रहें। क्या हम नहीं करें जिससे कि स्किन की जो एजिंग है उसको हम डिले कर सकें? तो अल्कोहल इंटेक को कम करें। अल्कोहल बेसिकली शुगर कंटेंट को बढ़ाती है और उसकी वजह से स्किन सेल डिग्रेड होते हैं। स्मोकिंग नहीं करें। डाइट के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, शुगर इंटेक है, उसको कम करें क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो है वो स्किन सेल्स को डिग्रेड कराती है। अब कुछ मिथ्स स्किन एजिंग के बारे में। लोगों को लगता है कि फेशियल योगा करेंगे तो स्किन को एज होने से रोक सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप फेशियल योगा करते हैं तो आप जो है फेशियल मसल्स को ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है और जो लाइन्स है वो डीपर होने लग जाती है, तो फेशियल योगा इसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, कोलाजन सप्लीमेंट्स, जिसके बारे में सोचा जाता है कि कोलाजन सप्लीमेंट्स लेंगे तो स्किन जो है उसको कोलाजन की सप्लाई मिलेगी और स्किन जो है वो रिजुवनेटेड लगेगी, स्किन एजिंग डिलेड होगी। पर इन कोलाजन सप्लीमेंट्स का स्किन में कितना अब्सॉर्प्शन होता है ये अभी तक प्रूवन नहीं है। तीसरी चीज़, कई लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स है, उन्होंने ऐसी इनहेरिट की है कि उनकी स्किन हमेशा जवा रहेगी। तो ये आपकी गलत फहमी है। स्किन एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको आप रोक नहीं सकते। पर हाँ, अगर हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, अगर हम डेली स्किन केयर रूटीन प्रॉपर रखें तो हम एजिंग स्किन को डिले कर सकते हैं। तो क्या डेली स्किन केयर रूटीन हमको अडॉप्ट करना चाहिए? इसमें हमें जो क्लिंजर यूज़ करना है वो जेंटल और माइल्ड होना चाहिए। स्किन को एडिक्वेटली मॉइस्चराइज कीजिए। हाइलुरोनिक एसिड बेस वाले जो मॉइस्चराइज़र है उसको यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन का प्रॉपर एप्लीकेशन करें, रेगुलर एप्लीकेशन करें, SPF 30 के अबाउ सनस्क्रीन। आउटडोर में रहते हैं तो हर 2 से 2.5 घंटे में रीएप्लीकेशन, और उसके साथ साथ नाइट क्रीम्स यूज़ कर सकते हैं, सीरम्स यूज़ कर सकते हैं। सीरम्स में विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, विटामिन सी होता है, जो हमारे स्किन को एडिक्वेट नरिशमेंट देता है। उसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन करें, पानी खूब पीजिए। घर में हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं ताकि स्किन एजिंग को डिले कर सकें? बनाना का या पपाया का पैक यूज़ कर सकते हैं,
ये विटामिन ए विटामिन के रिच होते हैं। अंडर आई के लिए हम ग्रीन टी बैग्स यूज़ कर सकते हैं, प्योर एलोवेरा के पैक्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी हमारी एजिंग को, स्किन एजिंग को डिले कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा समस्या है स्किन एजिंग की तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कुछ क्रीम्स देंगे जो रेटिनॉल बेस्ड होती है। ये रेटिनॉल बेस्ड क्रीम्स जो होती है वो जो डेड स्किन है, जो एजिंग स्किन है, उसका एक्सफोलिएशन करवाएगी और स्किन आपकी जो है वो फिर से जवा दिखने लग जाएगी। उसके अलावा कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जैसे कि बोटोक्स हुआ, फिलर्स हुए, इनको यूज़ करने से भी रिंकल्स जो है और हॉलोनेस जो है उसको फिल किया जा सकता है। स्किन रिजुवनेटिंग प्रोसीजर्स जैसे केमिकल पील्स हुए, लेज़र्स हुए, ये भी स्किन की एजिंग को डिले करते हैं। इनको भी आप रेगुलरली करवा सकते हैं क्लिनिक्स के अंदर जाके। तो अगर आप किसी भी उम्र में स्किन एजिंग की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपकी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर पे आके डर्मेटोलॉजिस्ट से उचित सलाह ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।